हाय फ्रेंड्स, आर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जाऊंगी पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू कट करके रख लिया है। 3 आलू है, 2 बड़े टमाटर है उसको कट करके रख लिया है, फ्रेश मटर है छील के रख लिया है, गाजर है, शिमला मिर्च है, पत्ता वाला प्याज है, धनिया पत्ता है और लहसुन अदरक का पेस्ट कर लिया। सबसे पहले कुकर गर्म हो गया है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगा है, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल देंगे। चलो सही हो जाए। टमाटर कटा है इसको डाल देंगे। आलू कटा हुआ है डाल देंगे, इसको भी अच्छे से चला लेंगे। गाजर है कटा हुआ, गाजर डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे कटा हुआ है, मटर को भी डाल देंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास और 2 सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। 2 सीटी हो गया, कुकर को अब बंद कर देंगे गैस को। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद ये बटर है, बटर को डाल देंगे। बटर को अच्छे से ये कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। प्याज कटा हुआ है, हरा प्याज डाल देंगे। और इसको पूरा फ्राई नहीं करना है, एकदम इसका बस पानी जलाना है। प्याज का जैसे पसीना निकलता है, इसका पसीना जल जाए। एकदम बारीक काट लेंगे। और शिमला मिर्च भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। और इसको भी एकदम दोनों को साथ साथ ही करेंगे, एकदम बिल्कुल हाफ फ्राई। प्याज है और 1 हरी मिर्च है, इसको भी डाल लेंगे। और इसको भी वही उसी तरीके से करेंगे। पेस्ट है, इसको भी डाल देंगे और चला लेंगे। इसको भी भाजी मसाला है, इसको भी डाल लेंगे और इसको तो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच, बड़े चम्मच से मिर्च है कश्मीरी, इसको डाल देंगे। वैसे तो तीखा नहीं लगेगा, बटर है इसका बैलेंस बना देगा। और इसको अच्छे से चला लेंगे और 1 मिनट तक इसको भूनेंगे आराम से। मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी स्वाद अनुसार और इसको 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। तब तक देख लेते हैं आलू पाव भाजी का। थोड़ा सा इसमें कलर आने के लिए मैं फूड कलर ऐड करूंगी, आप डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो। ये आप थोड़ा सा कसूरी मेथी है, इसको क्रश कर लेंगे हाथों से और इससे पूरी पाव भाजी का ये जाम होता है इसमें डाल देंगे। और इसको देखिए कितना अच्छा कलर और ये आने लगा है, एकदम परफेक्ट। इतना बेहतरीन पाव भाजी बन के रेडी होगा कि आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। आप ट्राई करिए, एकदम परफेक्ट गल गया है। इसको क्या करेंगे देखिए, एकदम परफेक्ट हो गया है। इसको मिक्स कर ले, मेरे पास मिक्स करने के लिए ये है, वैसे तो मथनी भी है, बाकी इससे कर लेते हैं मिक्स। हम अच्छे से क्रश हो गया है, देख सकते हैं परफेक्ट हो गया है। इसको मसाले में मिक्स करते हैं। का ये मसाला भुन गया है, इसमें इसको पलट देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे कि कितना अच्छा आ रहा है। इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। खूब सारा धनिया अच्छे से डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और इसको लास्ट इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी भी ट्राई कर। परफेक्ट भाजी बन के रेडी हो गई है, पाव भाजी की एकदम। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट तो पूछिए मत। प्लीज़ आप ट्राई करिए। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। किसी ने कमेंट करके मेरे से बोला था कि आप पाव भाजी बनाइए, मैं पाव भाजी की रेसिपी डाल दी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए कितना अच्छा पाव भाजी बन के रेडी हुआ है। इसे गर्म हो गया, इस पर बटर लगा लेंगे अच्छे से। और पाव को सेक लेंगे अच्छे से। इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। सब धनिया का गार्निशिंग कर लेते हैं। कितना परफेक्ट हो गया, सिका गया है, देख रहे हैं दोनों साइड से एकदम परफेक्ट। इतना परफेक्ट देखिए पाव भाजी बना हुआ है। आप ट्राई करिए, बहुत टेस्टी होता है। और आप किसी भी फ्रेंड को, खुद को, आप कहीं पे भी बना सकते हैं। पार्टी हो, घर पे खाने की मन हो, किसी को भी बहुत लोग पसंद से खाएंगे। अगर ये पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी।